नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक में आपको जॉब कैसे मिलेगा, कौन कौन से तरीका है जो है आपको एक्सिस बैंक में जॉब आपको मिल सकता है। आपको तीन तरीका बताऊंगा। पहले तो है दोस्तों, आपको जो है पेड जॉब के थ्रू, यानी कि पेड जो मणिपाल एकेडमी है या जो यंग बैंकर प्रोग्राम था इससे पहले, उसके द्वारा आपको जो है एक्सिस बैंक में जॉब मिल सकता है। सेकेंड है दोस्तों, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हो। डायरेक्ट इंटरव्यू कैसे जाना है, कहाँ पर जाना है, ठीक है, और जाने से पहले आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सब कुछ आपको बताऊँगा। तीसरा है दोस्तों, आप यहाँ पे किसी भी कंसल्टेंसी या किसी भी रेफरेंस के थ्रू जाके आप एक्सिस बैंक में जॉब आप लग सकते हो। इन तीनों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। आगे का डिटेल देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी बैंकिंग जॉब इन्फॉर्मेशन जानकारी हो सबसे पहले आप तक। जो माहे माहे है या जो मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन है या नहीं तो दोस्तों जो हायर जो एक्सिस बैंक के यंग बैंकर प्रोग्राम पहले था, अभी जो है मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन का इसका नाम चेंज हुआ है, इनके ज़रिए भी आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है पेड कोर्सेस है, आपको जो है 12 महीने का ट्रेनिंग होता है और 12 महीने में सब कुछ आपको सिखाया जाता है। उसके बाद आपको जो है बैंक में एक हायर पोस्ट आपको मिल सकता है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया, वो भी आप एक वीडियो पर देख सकते हो, और नहीं तो इनके ज़रिए आपको जॉब मिल सकता है जो कि पेड है। आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू में जाके भी सिलेक्ट हो सकते हो। लेकिन क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे तो आप वहाँ पे इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस लंबा होता है, यानी कि कम से कम 4-5 इंटरव्यू देने के बाद जाके आपको जो है जॉब मिलता है। इस स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में होता होगा आपको PIR राउंड, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन पर्सनल इंडक्शन राउंड होगा। सेकेंड जो राउंड होता है नॉलेज वो चेक किया जाता है कि आपको बैंकिंग में कितना नॉलेज है नहीं है। थर्ड में जो है वो आपको इसमें आपको जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में क्वेश्चन आंसर पूछा जा सकता है। और यदि आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर जानना है तो उसका भी मैं एक वीडियो जो है ऑलरेडी बना दिया है, एक्सिस बैंक के इंटरव्यू कैसे देना है वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हो। चौथा राउंड में होगा कि आपको जो है कौन से लोकेशन में आपको भेजा जाएगा और कौन से लोकेशन के लिए आपको काम करना चाहते हो। और फिफ्थ राउंड में होगा आपको जो है कितना सैलरी ले सकते हो। लास्ट में सिलेक्टेड अनसेलेक्टेड सब कुछ बताया जाएगा। यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो सैलरी कितना रहेगा उसका डिस्कशन सबको किया जाएगा, ठीक है। जो मैं 5 राउंड बताया, कभी कभी 2 राउंड में ही आपको सिलेक्ट किया जा सकता है, कभी कभी 3 राउंड, 4 राउंड या 5 राउंड हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 5 राउंड से ज़्यादा तो मैंने कभी देखा नहीं है, 2 या 3 राउंड में ही जो है दोस्तों इंटरव्यू समाप्त हो जाता है। मैक्सिमम हो सके तो 5 राउंड होगा, उसके ज़्यादा तो नहीं होगा। ये तो है दोस्तों, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे तब ऐसा प्रोसेस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट इंटरव्यू जाने से पहले आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए मैं वीडियो बना दिया, यानी तो आप जो है रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया है उसमें जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो रहेगा आपका कंसल्टेंसी के थ्रू। दोस्तों देखिए, जो कंसल्टेंसी है एक्सिस बैंक का वो है क्विज़ करके, कुछ क्विज़ लैब्स करके एक कंसल्टेंसी होगा मेरे ख्याल से, तो आप उनके ज़रिए जो है आप एक्सिस बैंक में जॉब पा सकते हो। डायरेक्ट एक्सिस बैंक में नहीं, डायरेक्ट बैंकिंग पेरोल नहीं, कोई लैब के द्वारा है, उनके द्वारा आप यहाँ पे काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता दूँ, आप अगर इनके ज़रिए जाएंगे काम करने के लिए आपको वहाँ पर जॉब जल्दी मिल जाएगा, लेकिन सैलरी थोड़ा कम रहेगा। जो कंपेयर टू बैंक में जाके जो आप सैलरी आपको मिल सकता था, उतना सैलरी से थोड़ा कम सैलरी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और हाँ, ये जो क्विज़ करके मैं है इसका ओरिजिनल नाम है आपको दिखा, बहुत सारे ब्रांचेस है और ज़्यादातर जो है एक्सिस बैंक का ही काम लेते हैं, यहाँ पर जाएंगे अच्छी तरह से मिल जाएंगे। और अगर आप काम करना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इनका डिटेल मैं दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप उनसे कॉन्टेक्ट करके आप जो है जॉब मिल सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये तो तरीका है आपको जॉब मिलने का। एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यदि आप एक्सिस बैंक के अलावा किसी और बैंक में जॉब करना चाहते हो, ठीक है, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको एक इंस्टीट्यूट गाइडेंस करूँगा जहाँ पे 90 डेज का कोर्स होता है और एश्योर जॉब वहाँ से आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आप जानना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, इसका भी लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, जाके मुझे संपर्क जरूर करना है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों मैं इतना ही, अगर वीडियो पसंद लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।